भदोही जिले के असाईपुर गांव में वंदना देवी सहित सब परिवारों को शौचालय न होने के कारण शौच के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं अंजना यादव और यह है मेरा समुदाय। आपके घर में शौचालय है? नहीं। शौच के लिए कहाँ जाती हैं? बाहर। शौचालय न रहने से आपको समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो चारों तरफ आदमी रहते हैं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, गंदगी है चारों तरफ। शौचालय बनवाने से क्या फायदा होगा? शौचालय बनवाने से ये फायदा होगा कि जाड़ा बरसात में या गर्मी में कोई भी मौसम अपने घर में रह सकते हैं, हमें जब जरूरत पड़ेगी अपने शौचालय में जा सकते हैं। आपके जैसे लोग कितने आपके गांव में हैं जिनके पास शौचालय नहीं है? लगभग 2-2.5 से। आपने शौचालय के लिए कोई प्रयास किया? हमने तो नहीं किया, लेकिन आदमी लोग किए हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ। आपके घर शौचालय है? नहीं। शौच के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाने में दिक्कत क्या होती है? बाहर जाने में बहुत सी दिक्कत होती है, मान लीजिए अगर फसल नहीं है तो कार्ड भी नहीं मिलता है, अगर किसी के फसल में बैठ गए वो भी डंडा लेके दौड़ते हैं, इससे बड़ी परेशानी पड़ती है। जो शौचालय बनवाने के लिए कोई प्रयास किया? प्रयास तो मैंने बहुत किया, प्रधान के यहाँ भी गए जो है, कई बार वीडियो साहब के यहाँ गए, बस आजकल में समय बिता दे रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं चाहती हूँ कि इन परिवारों के शौचालय बने जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि अभोली ब्लॉक के वीडियो का मोबाइल नंबर 94-50-18-68-20 पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं अंजना यादव, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।